आज का व्लॉग एक अलग स्टाइल में, जिस एरिया में हम आए हैं वो आज से 10,000 साल पहले ग्लेशियर का पार्ट हुआ करता था। सो लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस, और हाइकिंग में तो हम अपनी मस्तियाँ करेंगे। ये $35 का झटका लगेगा आते के साथ। यार तुमने पहले बताया ही नहीं, यहाँ तो कोई आया हुआ भी नहीं है भाई। नहीं, मजेदार बात यह है कि यहाँ पे इतनी खासियत से लग रहा है कि कभी कोई यहाँ आता ही नहीं। गाड़ी पार्क ही नहीं होती, ये पता नहीं कौन सी जगह पे ले आए हो तुम। दिस इज द वर्स्ट। तो चेक करो पहले यहाँ से, देखने क्या है यार। ये क्या व्यू है, नॉर्मल पार्क का व्यू है, ऐसा लग रहा है किसी पार्क में खड़े हैं। ये फॉल बता रहा है ना, पहले फॉल देख लें, यहाँ से जाएं। चलो यहाँ चलते हैं फॉल से। हवैया ये एरिया कहलाता है दी स्पेंसर गॉर्ज और दी वेबस्टर कंजर्वेटरी एरिया। यहाँ पे दो लैंडमार्क्स है, एक है ट्यू फॉल्स जो आप थोड़ी देर में देखोगे, एंड सेकेंड है डंडास पीक जहाँ से पूरा हैमिल्टन का व्यू नज़र आता है। सो सी यू सून। वहाँ पर कुछ 600 सीढ़ियाँ थी जो फॉल्स के ऊपर चढ़ने चढ़ने का हाइकिंग ट्रैक था। करा आपने? चलो लेट्स गो। ये है वो डंडास वाटरफॉल यानी कि ट्यू वाटरफॉल जिसके लिए हम आए हैं। फिलहाल डिस्कशन चल रही है मैन मेड है या नेचुरल है, आप ही डिसाइड करें। जी दिखाइए। यहाँ से इतना अच्छा नहीं आ रहा। थ्रिलिंग हो जाती है क्योंकि हम काफ़ी हाइट पर हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर्स भी नहीं है। सो लेट्स गो अहेड और कीप एंजॉयिंग दिस थ्रिलिंग पार्ट। ये आज की 2 पॉइंट है, सारे बदनाम आशिक, ये देख रहे हैं आप, के प्लस बी ए और डी सब। अब जैसे पाकिस्तान में होता है ना, हर दरख्त पर आशिक अपने नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है। मोस्ट प्रोबेबली देसी लोग ही होंगे। एक्चुअली ये वो पॉइंट है जो डंडास वैली का पीक पॉइंट है, जहाँ से पूरा हैमिल्टन शहर नजर आता है। यू कैन सी द व्यूज। स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से
ज़्यादा ही स्टीप है, अकबर के अंदर बस बनी आ गई है। हाँ इसी तरह जंप करके आपको जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ट्रैकिंग एंड हो गई है लेकिन वापस चल जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी सम ब्यूटीफुल ट्रेन ट्रैक्स। हाइकिंग एंड हो गई है लेकिन ट्रेन ट्रैक्स पर बैठने का मजा ही कुछ और है। हम हाइकिंग के उस पार्ट पे आ गए जो कि अनएक्सप्लोर्ड है और काफी सन्नाटा इधर। हाँ डर लग रहा है भाई यहाँ पर। कहाँ गए? नॉन डेजिग्नेटेड ट्रैक है, हमें मेरे ख्याल से वापस होना चाहिए। चलो रिकॉर्ड पे आ गया। ये माता का टेंपल डन। बेटा स्लिप हो रहा है, आ जाओ। ओ एडवेंचर करते करते हम बहुत ही डेंजरस लोकेशन पे आ गए। यहाँ से नहीं है भाई। बड़ी कठिन जगह पे मैं आ गया हूँ। कहाँ कहाँ से लेकर आ गए हो? वाटरफॉल के हम बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये डिफरेंट वाटरफॉल है लेकिन जो वाटरफॉल नंबर टू। ब्लॉग अभी एंड करते हैं, बहुत थक गए हैं और अपने दोस्तों से भी पूछ लेते हैं यार। अभी एंड किया, अभी तो वापस ऊपर भी चढ़ के जाना है, इतना 1.5-2 घंटे की बहुत मजा आया। लेकिन अभी अभी 1 घंटा में और चल रहा है, स्टीप चढ़ाई हमें ऊपर करनी है क्योंकि गाड़ी हमारी ऊपर पार हो गई है। लेकिन भाई आप थोड़ा डेंजरस है और पत्थरों के ऊपर नीचे इधर उधर घुस के हम वाटरफॉल तक पहुंचे। दैट वाज थ्रिलिंग और बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मजा आया। इन शॉर्ट वर्थ इट था।